तो कैसे हो मेरे यारो, मेरे प्यारो, स्वागत है तुम लोग का मेरे चैनल मैक्सिमिंग पे। सो आज हम लोग करने जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर 2 का ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स मोड। सो डिफिकल्टी को हम लोग ने हार्ड मोड पे और क्वालिटी को हम लोग ने हमेशा की तरह हाई पे सेट कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट द गेम गाइज। सो आज हम लोग करने जा रहे हैं हेलीकॉप्टर एस्केप। सो हम लोग का डे 1 जो स्टार्ट हो चुका है, अभी देखते हैं गाइज हम लोग को क्या मिलेगा पहले। सो हम लोग फिर एक बार आ गए ग्रैनी चैप्टर 2 वाले हाउस में। सो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो और जो चाहिए वो करो। सो अभी देखते हैं हम लोग को पहले क्या मिलेगा। नीचे जाएंगे हम लोग बोट के पास। बोट से तो हम लोग आज जाने वाले नहीं है। यहाँ से मेरे को डक टेप मिल गई है गाइज। गाइज वो मॉन्स्टर का आवाज़ तुम लोग ने नोटिस किया गया, वो एक बार देखो वो आवाज़ में नोटिस करो। यहाँ पे थोड़ा सा शोर कर देता हूँ ताकि ग्रैनी ग्रैंडपा यहाँ पे चले आए और हम लोग फिर ऊपर चले जाएंगे गाइज। एंड गाइज तुम लोग अभी ग्रैनी और ग्रैंडपा को दोनों को नोटिस करना तो तुम लोग को समझ में आएगा। गाइज ग्रैंडपा तो अभी चले गए वहाँ पे एंड अभी ग्रैनी के आने का इंतजार है। अभी ग्रैनी अगर यहाँ पे आई तो हम लोग ऊपर चले जाएंगे। एंड यस गाइज ग्रैनी भी वहाँ पे चली गई है। हम लोग का रास्ता क्लियर। गाइज ग्रैंडपा हंस रहे बहुत ज़ोर ज़ोर से। मेरे लेफ्ट साइड में डोर था पर हम लोग डोर उसके भी करने वाले नहीं। यहाँ से मेरे हेलीकॉप्टर का मैनुअल मिल गया है। गाइज ग्रैनी भी हंस रही है, दोनों जन हंस रहे हैं मेरे पर। बट उन लोग को नहीं पता कि मैं उन लोग को कितनी बुरी मौत मारने वाला हूँ। ये डक टेप को मैं यहाँ पे थ्रो कर देता हूँ ताकि शोर हो जाए थोड़ा सा। एंड ये स्टन गन भी है मेरे हाथों में। गाइज ग्रैनी ने उसका ट्रैप जो है वो बिछा दिया है, थोड़ा सा शोर यहाँ पे भी कर देता हूँ। एंड गाइज देखो ग्रैनी यहाँ पे आ गई है वो शोर सुन के। अभी ग्रैनी को हम लोग मारते हैं। गाइज ग्रैनी को एक बार नोटिस करो कितनी प्यारी लग रही है ग्रैनी। और ये बूम, मैं गाइज ग्रैनी को स्टन कर दिया है। अभी हम लोग ग्रैंडपा का वेट करते हैं। ग्रैनी इज नाउ गॉन फॉर अवर 30 सेकंड्स। यस गाइस ग्रैनी जो है अभी 30 सेकंड के लिए चली गई। आई सी यू गाइस, ये देखो आई सी यू वाला पेशेंट आ गए अभी यहाँ पे। इसको भी गाइस ग्रैंडपा को मैंने स्टन कर दिया है। अभी सिक्योरिटी की गाइस देखो ग्रैंडपा को स्टन करने के बाद गाइस ग्रैंडपा जो है वो नॉर्मल हो गए अभी। ये स्टन गन, ये सिक्योरिटी की मैंने इससे ले ली है, मतलब ग्रैंडपा से, इनसे रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। ये स्टन गन जो है वो मैंने ग्रैंडपा से, सॉरी ये पीस ऑफ फिक्चर था। एंड देन इसके बाद अभी मेरे को यहाँ से डक टेप जो मैंने यहाँ पे थ्रो कर दी थी वो मिल गई है। गाइस अभी ग्रैनी गायब होगी, मेरे को इतना अच्छे से पता है। गाइस ये मेरे हर बार ये मेरे बीच में ही आके सो जाती है, क्या पता क्यों, मतलब ऐसा। यहाँ से मेरे को ग्लास फ्यूज़ मिल गया है। अभी ग्लास फ्यूज़, गाइस ये ग्लास फ्यूज़ मैं ग्रैनी के सर में भी डाल सकता हूँ, मेरे को अंडर एस्टिमेट मत करना। यहाँ पे भी थोड़ा सा श्योर हो गया गाइस। अभी बाय द वे गाइस हेलीकॉप्टर के लिए और क्या क्या चीज़ें लगेंगी, और दो पीस ऑफ पेंटिंग एंड देन क्रोबार लगेगा। वहाँ से वो गैसोलीन का डब्बा, वो डब्बा खोलना है हम लोग को क्रोबार से। हम लोग को वहाँ से गाइस यहाँ पे भी एक पीस ऑफ पिक्चर है। एंड गाइस ग्लास फ्यूज़ का मेरे को आवाज़ आया ना अभी। थोड़ा सा यहाँ पे शोर करते हैं। ये गाइस ये जाली में हटाने का ट्राई कर रहा हूँ पर हट नहीं रही। अभी रुकता हूँ थोड़ा सा, इधर साइड में वेट करता हूँ। अरे बाबा, गाइस यहाँ से मेरे को डोर हैंडल मिल गया है जो मेरे कुछ भी काम का नहीं है, एकदम फालतू है। घंटी बज गई है, अभी ग्रैनी जाएगी बेबी स्पॉटर के पास एंड हम लोग का रास्ता थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे काम करते हैं। और गाइस ग्रैनी यहाँ पे आती होगी अभी शोर सुन के। तब तक नाउ लेट्स वेट फॉर द ग्रैनी। गाइस तुम लोग को वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक करो गाइस, कर दो लाइक। एंड गाइस कमेंट भी करो वीडियो पे मेरी, और नेक्स्ट मॉड कौन सा होगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए वो भी बताओ मेरे को। एंड ये गाइस फिर एक बार ग्रैनी को जादू की जप्पी, मतलब स्टन गन की पप्पी मैंने दे दी है। ग्रैनी इज नाउ गॉन फॉर अवर 30 सेकंड्स। गाइस हार्ड मोड में क्या होता है, हम लोग के पास टाइम जो होता है वो बहुत ही मतलब लिमिटेड रहता है। 30 सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड्स में गाइस ग्रैंड मतलब हम लोग जो कर सकते हो हम लोग को करना रहता है। अभी ग्रैंडपा तो नहीं आ रहे, मेरा पोपट हो गया अभी। ऐसा ना हो कि मैं स्टन गन फेंक दूँ और देन ग्रैंडपा आ जाए। गाइस ग्रैंडपा सोए थे, मैंने अभी नोटिस किया, मतलब अभी वो ग्रैंडपा की जो घंटी थी वो अभी बज गई है। अभी मैं थोड़ा सा रिस्क जो है वो ले लेता हूँ। अ पीस ऑफ पिक्चर मेरे को मिल गया है यहाँ से, अ पीस ऑफ पिक्चर मेरे को यहाँ से मिल गया। गाइस ये ग्रैंडपा की मेरे को फोटो वीटो लेनी पड़ रही है, मतलब क्या बताओ तुम लोग को, मेरे को बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। पर अभी क्या करूँ, गेम के लिए करना पड़ता है गाइस, करना पड़ता है, करना पड़ता है। फिर एक बार मैं स्टन गन यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ ताकि ग्रैनी यहाँ पे चली आए एंड देन हम लोग देंगे ग्रैनी को जोर का झटका धीरे से। गाइस ग्रैनी फाइनली यहाँ पे आ चुकी है। एंड ये गाइस फिर एक बार मैंने ग्रैनी को स्टन कर दिया। गाइस ग्रैनी का डांस देखो गाइस, हम लोग को ग्रैनी का डांस कैसे, गाइस ग्लिच हो गया ना अभी। ग्रैनी इज नाउ गॉन फॉर अबाउट 30 सेकंड। देयर यू आर, हियर हियर आई एम। अभी मैंने ग्रैंडपा को भी स्टन गन से स्टन कर दिया है। ग्रैंडपा आल्सो इज नाउ गॉन, ग्रैंडपा इज नाउ गॉन फॉर अबाउट 30 सेकंड्स। गाइस ग्रैंडपा भी 30 सेकंड के लिए चले गए। अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है मेरी, समझ लेना। यहाँ से मेरे को क्रोबार मिल गया है गाइस। अभी क्रोबार लेके गाइस, ये क्रोबार का मतलब क्या रहता है मेरे को नहीं पता। अभी ये डब्बा खोलता हूँ तो मेरे को यहाँ से गैसोलीन मिल गया गाइस। गैसोलीन भी, गैसोलीन गाइस पेट्रोल तो बहुत महंगा है पर ग्रैनी के घर पे, ग्रैनी के पास अंधा पैसा पड़ा है गाइस। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एंड अभी 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 स्टन गन इज़ बैक। स्टन गन लेके हम लोग
आज कुछ तूफानी करने जा रहे हैं। सो मेरे को असिस्टेंट गन मिल गई है गाइस, वो बेबी स्पाइडर का आवाज़ तुम लोग नोटिस करो एक बार। ये खिड़की से हम लोग कूद के यहाँ पे आ जाते एंड देन ये स्टन गन जो है वो मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ एंड यहाँ से मेरे को रेंच मिल गया रेंच। सो अभी फिर एक बार थोड़ा सा शोर ताकि हमारी ग्रैनी यहाँ पे आ जाए एंड हम लोग ग्रैनी को फिर एक बार स्टन गन से जोर का झटका धीरे से दे। सो नाउ लेट्स वेट गाइस, ग्रैनी अभी यहाँ पे आती होगी। गाइस घंटी बज गई तो ग्रैनी नीचे जाएगी बेसिकली, बट मैं वैसा होने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं ग्रैनी को यहाँ पे बुला के रहूँगा और गाइस ये ग्रैंडपा यहाँ पे आ गई है एंड मैंने ग्रैनी को स्टन कर दिया है फाइनली। ये रेंज जो है वो मेरे को मिल गया है एंड गाइस अभी ग्रैंडपा कहाँ पे, गाइस ग्रैंडपा ने मेरे को देख लिया बट होपफुली मैं बच गया गाइस, मैं बहुत ही प्यार से बच गया मैं गाइस। सो फिक्र करने की बात नहीं है, आई सी यू में आप जाओगे एक दिन मेरी वजह से, आई एम श्योर। आई एम हंग्री एज वेल बट तुम लोग तो मेरे को कुछ खिलाते नहीं, मेरे को खुद घर से एस्केप करके बाहर जाके कुछ वड़ा पाव खाना पड़ेगा। सो अभी गाइस वहाँ पे देखो बॉम्ब वाला बॉक्स एंड ये देखो गाइस ग्रैंडपा वहाँ पे अभी जा रहे। सो अभी मैं थोड़ा सा शोर कर रहे थे ताकि ग्रैनी यहाँ पे चली आए एंड ये मेरे को यहाँ से स्टन गन मिल गई है। सो नाउ लेट्स वेट फॉर ग्रैनी। सो मैंने यहाँ पे शोर कर दिया तो ग्रैनी यहाँ पे आती होगी। सो मैं ग्रैनी के यहाँ पे वेट कर रहा हूँ अभी गाइस, ग्रैनी तो आई नहीं, मेरा पोपट हो गया अभी फिर से। सो अभी मैं काम करता हूँ, मैं फिर एक बार वहाँ पे जाके थोड़ा शोर कर देता हूँ। पीस ऑफ पेंटिंग देखो वहाँ पे जो लास्ट वाली वो वहाँ पे पड़ी है एंड ग्रैनी तो आई नहीं। गाइस ऊपर जो है वो रेडियो चालू हो गया गाइस, वो तुम लोग को जो रेडियो में जो सॉन्ग बजता है वो सॉन्ग पता है कौन सा है? अगर तुम लोग को पता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार जाके जरूर बताओ एंड यहाँ से मेरे को मैंने स्टन गन को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है और अभी ग्रैनी यहाँ पे आती होगी। सो अभी ग्रैनी का इंतजार करते हैं और गाइस इंतजार खत्म हुआ, ग्रैनी यहाँ पे आ गई है और गाइस ये मैंने ग्रैनी को स्टन कर दिया फिर एक बार। सो अभी मैं ग्रैंडपा का वेट कर रहा हूँ, ग्रैंडपा। सो ग्रैनी इज नाउ गॉन फॉर अवर 30 सेकंड्स, आई सी यू बोला है ग्रैंडपा ने। ग्रैंडपा को भी मैंने स्टन कर दिया है। सो अभी थोड़ा काम कर लेते, इसको भी मैंने गाइस स्टन कर दिया है ये बचकाने को। सो अभी यहाँ से मेरे को हेलीकॉप्टर की मिल गई है गाइस, जो हम लोग को बहुत ही स्पेशल होने वाली है, मतलब बहुत ही यूज़फुल होने वाली है एस्केप करने के लिए हम लोग को। गाइस ये चिल्ला था कितना है देखो, ये स्लेंडर मैन की आत्मा थी उसमें। सो हेलीकॉप्टर की भी मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दी है और हौले हौले ग्रैनी भी जो है वो अभी यहाँ से मतलब जा रही है, गायब हो रही है गाइस बेसिकली ग्रैनी यहाँ से। एंड मेरे को यहाँ से स्टन गन मिल गई है एंड इसकी एमो कहाँ पे, वन सेकेंड, यहाँ पे एमो थी वो कहाँ पे? हाँ गाइस मेरे को पता है ये एमो कहाँ पे, मैं खाली फोड़ यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। सो अभी ये डब्बा देखो गाइस, कश्मीरी सेब का डब्बा। सो थोड़ा सा अभी रिस्क लेना पड़ेगा मेरे को गाइस। बुकशेल्फ देखो, बुकशेल्फ के पीछे तो कुछ नहीं है गाइस, मेरे को फुटस्टेप्स की आवाज़ तो आ रही है बट क्या पता वो कहाँ पे गाइस। राइट साइड में डोर देखो मेरे, नोटिस करो, अगर वो खुला रहता ना तो मेरे को शॉक लग जाता और मैं शायद मर भी सकता था। सो देखो यहाँ पे ये अपना स्टन गन की एमो पड़ी है एंड अभी मैं क्या करूँ मैं। सो अभी मैं फिर एक बार यहाँ पे शोर कर देता हूँ ताकि ग्रैनी एंड ग्रैंडपा जो है वो यहाँ पे चले आए एंड अभी वेट करते हैं वो लोग का कहाँ पे वो। अरे जल्दी आओ, मेरे को कल सुबह पनवेल निकलना है। सो अभी ग्रैंडपा, अरे गाइस अभी तक कोई आया कैसे नहीं गाइस? वो लोग शायद मेरे से डर रहे, बहुत डरते गाइस, दोनों ग्रैनी ग्रैंडपा मेरे से बहुत डरते, तुम लोग को शायद से पता नहीं होगा गाइस। ग्रैंडपा यहाँ पे चले गए, ग्रैंडपा तो शायद कम डरते मेरे से, ग्रैनी डरती है मेरे से ज़्यादा। सो अभी गाइस कोई आया तो नहीं, मेरा पोपट हो गया। सो अभी यहाँ पे ग्रैंडपा जो है वो वहाँ पे अंदर है। सो आई एम हंगरी, अरे गाइस ग्रैंडपा को कितनी भूख लगती है कुछ पता नहीं। सो अभी यहाँ पे गाइस ग्रैंडपा ने मेरे को देख लिया है एंड गाइस मैंने ग्रैंडपा को स्टन कर दिया एंड अभी हम लोग ऊपर जाते हैं। हम लोग ग्रैंडपा इज़ नाउ गॉन फॉर अबाउट 30 सेकंड्स गाइस, ग्रैंडपा जो है वो अभी प्यारे हो गए भगवान को। गाइस ये देखो ये यहाँ से आई अंधी। सो मैंने यहाँ पे ग्रैनी को भी स्टन कर दिया है गाइस। सो मेरा थोड़ा सा गेम इजी हो गया। ग्रैनी इज नाउ गॉन फॉर अबाउट 30 सेकंड्स गाइस, 30 31 मिनट, बट दोनों सेम टाइम के लिए जाएंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हेलीकॉप्टर की मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दी थी गाइस। ग्रैनी के घर में फ़ोटोज़ देखो कितने डिफरेंट लगे, वो फ़ोटोज़ देख के मेरे को डर लगता है, मतलब बहुत। अभी ग्रैनी जो है वो जाएगी अभी थोड़ी देर में, वो डिसअपीयर होएगी। सो अ पीस ऑफ पिक्चर, ये लास्ट वाला पिक्चर गाइस, मतलब ये लास्ट वाला एक पेंटिंग का पीस है। सो ये भी मैंने ले लिया एंड ये भी है मेरे पास एंड अभी स्टन गन है मेरे पास और स्टन गन से अभी मैं ग्रैनी को फिर एक बार, ग्रैनी और ग्रैंडपा मतलब दोनों को मैं फिर एक बार स्टन करने वाला हूँ। सो अभी थोड़ा वेट करते हैं वो लोग का, वो लोग के आने का वेट करते हैं अभी
एंड अभी गाइस इधर उधर देखता हूँ मैं, रास्ता क्लियर है। सो स्टनगन को अभी थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे हम लोग यहाँ पे, थोड़ा सा शोर कर देंगे ताकि ग्रैनी जो है वो यहाँ पे चली आए, एंड हम लोग ग्रैनी को फिर एक बार जोर का झटका धीरे से देने वाले गाइस। सो अभी ग्रैनी के फुटस्टेप्स का आवाज़ तो मेरे को आ रहा है, बट ग्रैनी, हाँ गाइस ग्रैनी यहाँ पे आ गई है फिर एक बार। गाइस ग्रैनी को मेरा मार बहुत पसंद है, मतलब मेरे स्टनगन का जो वार है वो बहुत पसंद नहीं लगता है गाइस ग्रैनी को। गाइस ग्रैनी का तुम लोग ने डांस देखा, उसको शौक लगा, करंट लगा। गाइस ग्रैंडपा भी आ गए यहाँ पे, तो ग्रैंडपा को भी मैं एक बार जोर का झटका धीरे से दे ही देता हूँ गाइस। सो अभी मेरे को लगता है कि डोर हेलीकॉप्टर स्केप के लिए जो जो आइटम्स रिक्वायर्ड थी वो मैंने सारी की सारी जमा कर लिया है। ये एक पीस ऑफ पिक्चर है, ये एक पीस ऑफ पिक्चर है, एंड आई गेस यहाँ पे एक है गाइस, ये तीन पीस ऑफ पिक्चर हो गए। एंड बाकी की जो गाइस सारी जो सामग्री है वो भी मैंने जमा कर दी है। हेलीकॉप्टर की चाबी भी है मेरे पास, सो हेलीकॉप्टर लेके चले जाएंगे हम लोग। एंड गाइस मैनुअल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है गाइस स्किप करने के लिए। देखो गाइस अगर तुम लोग मैनुअल के बिना अगर स्किप करोगे, वैसे तो तुम लोग को पता रहेगा पर मैं फिर भी बताऊंगा। सो मैनुअल के बिना तुम लोग अगर स्किप करोगे तो तुम लोग का स्किप जो है वो फेल हो जाएगा एंड हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो जाएगा। सो इसके लिए मैनुअल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इन द हेलीकॉप्टर स्किप। सो अभी धीरे धीरे जो चीज़ें वो हम लोग ऊपर लेके जाते हैं। ये पीस ऑफ पिक्चर है, ये पहला पीस ऑफ पिक्चर, एंड देन ये सेकंड वन। गाइज मेरे को फुटस्टेप्स का आवाज़ आ रहा है बट वो किसका है वो मेरे को पता नहीं। एंड अभी ऐसा ना हो कि मैं नीचे जा रहा हूँ और ग्रैंडपा यहाँ पे सिक्योरिटी रूम में चले आए। सो कैमरा तो मैं चालू नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगा ये सब। तीसरा भी पीस ऑफ पिक्चर मैंने वहाँ पे ऊपर जाके फेंक दिया। एंड गाइज ये डक टेप, गाइज मेरे को एक बात बताओ, हेलीकॉप्टर का पंखा टेप से चिपकाने वाला ग्रैंडपा पहला इंसान होगा, बट अभी जाने दो छोड़ो उसको। सो यहाँ से मेरे को ग्लास फ्यूज मिल गया है गाइस। सो ग्लास फ्यूज भी हम लोग को थोड़ा मतलब आगे इंपॉर्टेंट है। सो ये लास्ट चीज़ हेलीकॉप्टर की, सो ये हेलीकॉप्टर की भी मेरे को मिल गई गाइस। बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर करो, हमारे बाजू में कुत्ते भोंकते हैं, सो कुत्तों को इग्नोर करो। एंड यही जो है ग्रैंडपा का पीस ऑफ पेंटिंग, ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। एक पीस ऑफ पेंटिंग मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है गाइस, इग्नोर मारो बैकग्राउंड, इग्नोर मारो। एंड ये और एक पेंटिंग का पीस, ये भी मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। एंड गाइस एक आखिरी पीस ऑफ पेंटिंग, सो इसके बाद वो जो दरवाज़ा है वो खुल जाएगा गाइस। गाइस वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर भी करो गाइस, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। बहुत जने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो करो प्लीज़, सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड ये है अपना स्टनगन। सो अभी एम देखो गाइस, मेरा एम देखो, ये अभी एम वैसे तो मेरा परफेक्ट है, नहीं इतना भी परफेक्ट नहीं है, बट ये हो गया फर्स्ट। एंड गाइस ये गेम खेलते वक्त पेशेंस रखना होता है, सो मैं एकदम पेशेंस रख के ही खेल रहा हूँ। ये सेकंड भी हो गया। एंड गाइस ये एक सिर्फ एक लास्ट बचा है, सो ये लास्ट भी मैं कर ही देता हूँ अभी। सो यस गाइस बूम, ये लास्ट वाला भी मैंने कर दिया। सो अभी अगली चीज़ जो है वो है ग्लास फ्यूज़। सो ग्लास फ्यूज़ भी है मेरे पास, मतलब मेरे पास जो जो आइटम्स है वो सारी अवेलेबल है, सो मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड गाइस ये जो है हेलीकॉप्टर स्केप है, बट ये बोट स्केप का बहुत ही हार्ड प्रीसेट है, तुम लोग कभी समझेगा गाइस। ये देखो मेरे राइट हैंड साइड में जो है वो बोट का स्टेयरिंग व्हील पड़ा है, ये बहुत ही हार्ड प्रीसेट है बोट के लिए, बोट स्केप के लिए। सो मैंने ये भी एक बार खेला है, सो तुम लोग चैनल में जाके मतलब मेरा वो वीडियो चेक कर लेना। एंड ये डक टेप भी है मेरे पास गाइस, ये हेलीकॉप्टर का पंखा टूटा हुआ है, सो ये मैं टेप से जोड़ देता हूँ। एंड अभी जाते और कुछ सामग्री लाने के लिए। सो वैसे तो मेरे पास सब है, मतलब ये गैसोलीन का कैन मेरे पास, ये सो मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। एंड जाते अभी हेलीकॉप्टर की कील आते। एंड गाइस ये मॉड मैंने आज अपलोड किया है, सो कल भी एक अच्छा नया मॉड लाऊंगा मैं, डोंट यू वरी अबाउट दैट। एंड ये गैसोलीन को जो है मतलब हम लोग हेलीकॉप्टर में जो है वो पेट्रोल भर लेते हैं अभी। सो अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगता है पेट्रोल भरने में, बट हम लोग भरवा देंगे, पैसे की कमी थोड़ी है अपने पास, पैसे में अंधे हैं हम लोग पैसे में। सो ये भी अभी ऑलमोस्ट फुल हो गया है, सो अभी मैं यहाँ से इसको नीचे फेंक देता हूँ। एंड गाइस फाइनली हम लोग रानी के घर से एस्केप करने के लिए रेडी है। सो यस गाइस, अरे मैं बाहर आ गया। सो फाइनली हम लोग ने ग्रैनी के घर से, ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर से हेलीकॉप्टर एस्केप कर लिया है गाइस। फिर एक बार ग्रैनी और ग्रैंडपा को मैंने चकमा दे दिया है, और वो भी हार्ड मोड पे मैंने गाइस हेलीकॉप्टर एस्केप जो है वो किया है। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। ग्रैनी और ग्रैंडपा मेरे को देख रहे पर पकड़ नहीं पाए, वो उनके लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। दी एंड, थैंक यू गाइज़।